चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने दाल ढोकली की रेसिपी लेके आई हूँ। ये गुजरात और राजस्थान की फेमस डिश है, पर मैं जो बनाने जा रही हूँ वो राजस्थान स्टाइल में दाल ढोकली बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने तोहर दाल, जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं, एक कप ली है। इसको मैंने अच्छे से 2 दिन पानी में धोकर 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। अब मैं इसे प्रेशर कुकर में पकने के लिए रखूंगी। मैंने प्रेशर कुकर में दाल को डाल दिया है। इसमें मैंने 2.5 कप पानी डाला है। अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच ऑयल का डालूंगी, जिससे हमारी जो दाल है वो बॉयल होते हुए बाहर ना निकले। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाली है। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसमें 3-4 सीटी आने तक इसे पकने दूंगी। मैंने दाल को पकने के लिए गैस पर रख दिया है। इसमें मैं 4 सीटी दूंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो दाल है वो अच्छे से पक गई है या नहीं। जब तक हमारी दाल पक रही है, हम ढोकली के आटे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसमें मैं 2 चम्मच बेसन के ऐड करूंगी। नमक 1/2 चम्मच से भी कम नमक ऐड कर रही हूं मैं इसमें। 1 चम्मच देसी घी। अजवाइन, इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ढोकली का। इसको हल्का सा क्रश करके डालिएगा और इसका हम सारी चीजें मिक्स कर लेंगे। और इसका हमें जो हम चपाती का जैसे हम आटा लगाते हैं, वैसे ही हमें इसका डो बनाना है, सॉफ्ट डो। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी। इसका हमें एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है, जैसे हम चपाती का बनाते हैं। हमारा सॉफ्ट डो बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे मैं 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। इतने ये 10-15 मिनट रेस्ट कर रहा है, हम अपनी दाल देख लेते हैं वो पक गई है या अच्छे से नहीं। कुकर में हमारी 4 सीटी आ चुकी हैं। हमारा जो कुकर है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, विसल भी अच्छे से निकल गई है। अब हम इसे खोल कर चेक कर लेते हैं कि जो हमारी दाल है वो अच्छे से पक गई है या नहीं। हमारी जो दाल है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक गई है। अब हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं ढोकली की। ढोकली को बॉईल करने के लिए मैंने एक भिगोने में पानी रखा है। मैंने इसमें 3 कप पानी रखा है और इसे 1 उबाल आने तक मैं बॉईल करूंगी पानी को। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमने आटा रखा था ढक के 15 मिनट रेस्ट करने के लिए, वो हमारा कैसा हुआ है। थोड़ा सा हाथ में घी दे दीजिए, इसको आटे पे हल्का सा आटा हमारा बहुत अच्छा सेट हो गया है। अब हम इसे पेलने के पेलते हैं। ढोकली भी कई तरह से बनाई जा सकती है। आप चाहें तो आटे की छोटी छोटी जो लोइयां होती हैं उसको बनाकर हाथ से प्रेस करके उसे उबाल सकते हैं, या फिर इसको एक बड़ा सा जैसे चपाती बेलते हैं, पराठा बेलते हैं, वैसे बेलकर उसको कट करके फिर उसको बॉईल कर सकते हैं। तो मैं इसको बेलकर करूंगी ढोकली को। ढोकली को बेलने के लिए मैंने थोड़ा सा सूखा गेहूं का आटा लिया है। इसकी ऐसे एक लोई लेंगे, इसको सूखे आटे में हम ऐसे लगा लेंगे और जैसे हम चपाती बेलते हैं वैसे ही बेलेंगे हम इसको। ढोकली को हमने जैसे हम चपाती या पराठे बेलते हैं वैसे बेल लिया है। इसको हमें पतला ही बेलना है, इसके किनारे हल्के से पतले ही होने चाहिए। चारों तरफ से किनारों को ऐसे बेल ले और बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है इसे। अब हम इसे कट करेंगे पीसेस के अंदर। ऐसे हम काट लेंगे पहले। ऐसे हमने स्ट्रिप में इसे काट लिया है। अब एक बीच से हम काटेंगे इसको। काटने के बाद
ऐसे हम साइड में से थोड़ा और उसे काट लेंगे, जिससे हमारी जो ढोकली है वो ज़्यादा बड़ी बड़ी ना रहे। इसे आप अपने अपने कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे गोल या फिर जितनी जो भी आप शेप देना चाहे अपनी मर्जी से वो दे सकते हैं। मैंने इसे ये शेप दी है। इधर हमने जो भिगोने में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था वो हमारा बॉयल हो गया है। अब जो हमारा पानी है वो अच्छे से उबाल आ गया है उसमें। अब मैं उसमें एक एक जो ढोकली के हमने पीस कट करे हैं उसके डालूंगी और इसे 15 मिनट के लिए हम उबालेंगे। बीच बीच में चलाते भी रहेंगे ढोकली को, जिससे हमारी ढोकली है वो नीचे ना लगे। सारे पीसेस को उसमें डाल दूंगी ढोकली के और 15 मिनट के लिए इसे उबलने के लिए रख दूंगी। इसे हमें ढकना नहीं है, इसे खुले में ही उबालना है और बीच बीच में चलाते जाना है। जो हमारी सारी ढोकली है जो हमने पीसेस में कट करी थी उसको मैंने ऐसे उबलते पानी में डाल दिया है। 15 मिनट के लिए इसे हम उबालेंगे और बीच बीच में ऐसे हम चलाते भी रहेंगे, जिससे हमारी ढोकली है वो आपस में चिपके ना। जब तक हमारी ढोकली उबल रही है हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। इतने हमारी ढोकली बॉईल हो रही है, उबल रही है, इतने हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी के ऐड करे हैं। जब हमारा घी हल्का सा गर्म हो जाए तब मैं इसमें हींग डालूंगी। 1 पिंच हींग का डाला है मैंने। जीरा 1 चम्मच जीरा। जब जीरा हमारा हल्का सा तड़कने लग जाए तब मैं इसमें हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। एक साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च जिसे मैंने एक बारीक बारीक काट लिया था, करी पत्ता, मेरे पास सूखे करी पत्ते हैं वो डाल रही हूँ, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच डाला है मैंने इसमें। अच्छे से मसाले को मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें टमाटर, जो मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया है उसको मैंने रफली चॉप कर लिया था वो डाल रही हूँ। टमाटर हमारा अच्छे से पक जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप देखे डालेगा क्योंकि ढोकली में भी नमक है और जो हमने दाल बॉईल करने के लिए रखी थी उसमें भी नमक ऐड है। तो जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हमें इसे अच्छे से पकाना है। बीच बीच में हमें ढोकली को भी चलाते रहना है, जिससे हमारी जो ढोकली है वो नीचे ना लग जाए। हमारे जो टमाटर है वो अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें खट्टा करने के लिए हमने टमाटर ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसमें अमचूर भी ऐड कर सकते हैं। ये जो कच्ची आमी होती है उसके पतले पतले पीसेस कट के वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जो हमने हरी मिर्च डाली है वो आप टमाटर को और उसको हरी मिर्च को इकट्ठा एक पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिए। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इधर जो हमारी हमने बॉईल करने के लिए जो ढोकली को रखा है उसे भी 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं सब चीजों को इकट्ठा इसे मिक्स कर दूंगी जो हमने तड़का बनाया है। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो दाल ढोकली है वो भी अच्छे से उबल गई है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम सारी जो हमने ढोकली बनाई थी वो और दाल उसको हम जो हमने तड़का लगाया है उसमें हम मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को। तड़के में मैं दाल ऐड कर रही हूँ सारी। दाल को ऐड करने के बाद अब जो हमने ढोकली को उबाला है वो इसमें ऐड करेंगे। इसकी हमें जो पानी है वो नहीं निकालना है, पानी सही थी, मैं पूरी ढोकली को इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपको कुछ नमक या मिर्च कम लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ढोकली आप अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी बना सकते हैं। अब मैं इसे ढककर 5-7 मिनट के लिए पकाऊंगी। 5-7 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि हमारी जो दाल है वो अच्छे से मसालों में मिक्स हो गई है या नहीं। गैस को सिम कर रही हूँ। आप देख सकते हैं दाल ढोकली का कितना अच्छा कलर आया है। इसे आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं, पर मुझे इस तरह की ही
दाल पसंद है। तो अब मैं जो है गैस को बंद कर रही हूँ और इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें जो हरा धनिया होता है ना, उसे भी बारीक बारीक काट के इसके ऊपर डाल सकते हैं। उससे भी बहुत ही अच्छा कलर आता है दाल ढोकली का, पर मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं इसमें वो ऐड नहीं कर रही। हमारी दाल ढोकली बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी को बहुत पसंद आती है। यह गुजरात और राजस्थान की फेमस डिश है। मैंने आज इसे राजस्थानी स्टाइल में बनाया है। अब मैं आपको खाती हूँ ढोकली। अगर आप प्याज खाते हैं तो इसमें ऊपर से प्याज भी ऐड कर सकते हैं। आप इस दाल ढोकली को बनाकर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी दाल ढोकली कैसी बनी और आप किस तरह से बनाते हैं दाल ढोकली को। अगर आपको मेरी दाल ढोकली की रेसिपी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।